श्रुति शर्मा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम आईफोन 7 पर। जी हाँ, द काउंटडाउन बिगिंस। आज आईफोन के चाहने वालों का इंतजार खत्म होने वाला है। आईफोन के दीवानों के लिए आने वाला है नया आईफोन 7 और 7 प्लस। रात 10:30 बजे नए आईफोन से पर्दा उठ जाएगा। अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में आज एप्पल के सीईओ टिम कुक आईफोन 7 का दीदार कराएंगे। आईफोन 7 3 स्टोरेज कैपेसिटी में आ सकता है, 32 GB, 128 GB और 256 GB। इसके अलावा एप्पल नए ऑपरेटिंग सिस्टम iOS 10 भी ऑफिशियली लॉन्च कर देगा। अब कुछ ही वक्त बचा है जब एप्पल अपने मेगा लॉन्च इवेंट में मच अवेटेड आईफोन 7 लॉन्च करेगा। हालांकि कुछ समय से चर्चा हो रही थी कि आईफोन 7 में पिछली बार के मुकाबले ज्यादा बदलाव नहीं होंगे, लेकिन रीसेंट रिपोर्ट्स के मुताबिक एप्पल अपने ग्राहकों को नए फोन से चौंकाने वाला है। सूत्रों की माने तो हालांकि देखने में आईफोन 7 अपने प्रेडिसेसर यानी आईफोन 6s से ज्यादा अलग नहीं होगा, लेकिन एप्पल इस बार अपने फोन में अभी तक का सबसे दमदार चिपसेट यानी A10 चिप डालने जा रहा है। स्टोरेज के मामले में अब आईफोन का बेसिक वेरिएंट होगा 32 GB, जिसका मतलब 16 GB आईफोन की बिक्री अब बंद होने वाली है। आईफोन 7 में 2 GB रैम ही होगी, लेकिन आईफोन 7 प्लस में आपको 3 GB रैम मिलेगी। एप्पल अपने नए फोन में एक नया कलर ऑप्शन भी ला रहा है और अगर रिपोर्ट्स की माने तो एक कलर होगा नेवी ब्लू। टफ कंपटीशन को देखते हुए एप्पल भी नए आईफोन को IPX7 वाटर रेजिस्टेंस बनाने जा रहा है, जिसका मतलब अब एप्पल वॉच की तरह ही नया आईफोन भी वाटर रेजिस्टेंट होगा। नए आईफोन में आपको ईयरफोन्स लगाने के लिए 3.5 mm जैक नहीं मिलेगी और उसकी वजह है नए आईफोन को और पतला बनाना। इसके साथ ही एप्पल इस बार अपने ईयरपीस रिसीवर को अपग्रेड करने जा रहा है, जो एक फुल स्पीकर की तरह भी काम करेगा। एप्पल अपने फोन के कैमरा के लिए हमेशा जाना गया है और इस बार भी एप्पल कुछ नया करने जा रहा है। नए आईफोन में 12 मेगापिक्सल का डुअल कैमरा होगा, जिसमें एक लेंस वाइड एंगल शॉट्स और एक टेलीफोटो लेंस के साथ स्मॉल पिक्सल शॉट्स लेने के लिए काम आएगा। इन सब नए फीचर्स के साथ ही नए आईफोन में प्रेशर सेंसिटिव क्लिकलेस होम बटन और अपग्रेडेड प्रॉक्सिमिटी सेंसर शामिल हैं। तो बस अब इंतजार है सैन फ्रांसिस्को में नए आईफोन के लॉन्च होने का और ये देखने का कि आखिर एप्पल इतनी कंपेटिटिव मार्केट में आईफोन 7 का दाम क्या रखता है। दिनेश शर्मा, जी मीडिया। जैसा कि आपको रिपोर्ट में दिखाया, आईफोन 7 का इंतजार अब खत्म हो गया है। आईफोन 7 और आईफोन 7 प्लस बहुत ही जल्द लॉन्च होने वाले हैं आज रात और भारत में भी काफी जल्द पहुंचने वाले हैं। लेकिन जो लोग जानना चाहते हैं कि आईफोन 7 के साथ और किस फोन का इसके साथ कंपैरिजन है, तो उनको हम बता दें कि गैलेक्सी का नोट 7 जो हाल ही में रिकॉल किया गया, लेकिन वो एक अच्छा कॉम्पिटिटिव फोन है आईफोन 7 के मुकाबले। आप देख सकते हैं इसके फीचर्स, सैमसंग गैलेक्सी नोट 7 का चिपसेट एक्सिनॉस 8890 प्रोसेसर है, साथ ही साथ इसमें चिपसेट A10 है। i6 से आप अपग्रेड होकर आईफोन 6 से A9 जो था अब A10 होगा, यानी फास्टर प्रोसेसर। जो रैम है 4 GB दी गई है और आईफोन 7 में अब रैम 2 GB और 3 GB होगी। और मेरे साथ हैं मेरे सहयोगी जो कि टेक्नोलॉजी कवर करते हैं, दिनेश शर्मा, और ये एक एप्पल फैन भी हैं। तो दिनेश, तुम्हारी तो दिवाली आज रात से ही शुरू हो जाएगी। जी बिल्कुल श्रुति, आज का दिन मेरे लिए दिवाली से कम नहीं है, आज का दिन मेरे लिए क्रिसमस से कम नहीं है, आज ही का दिन मेरे लिए ईद से कम नहीं है। और वो इसलिए क्योंकि आज के दिन मेरा फेवरेट फोन आईफोन 7 लॉन्च होने जा रहा है। तो जो अभी तक की जो भी हमें कमियां लगती थी हमारे इस फेवरेट फोन आईफोन में, आज के दिन मोस्ट प्रॉब्ली सारी वो कमियां एप्पल वो सारी कमियां खत्म कर देगा। तो कुल मिला के मैं कह सकता हूं कि मैं बहुत कुछ ही समय बाद सैन फ्रांसिस्को में एप्पल इस फोन को सबके दुनिया के सामने ला रहा है और बस उम्मीद कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी आईफोन 7 हमारे पास आए और हम देखें कि आखिर क्या नया एप्पल इस फोन में ला रहा है। जी श्रुति,
दिनेश, इंटरफेसेस में बाद में जाएंगे, सबसे पहले थोड़े से फीचर्स की बात कर लेते हैं। जैसा कि बताया जा रहा है, इस बार की जितनी भी कमियां अभी तक के आईफोन्स में आई हैं, इसलिए भी एक आईफोन खास माना जा रहा है कि वो सारी कमियां अब इस फोन में खत्म कर दी जाएंगी और दिस विल बी द परफेक्ट आईफोन फोन सो फार। तो क्या क्या नए फीचर्स हो सकते हैं, आप हमें विस्तार से बताएं। जी बिल्कुल श्रुति, एप्पल हमेशा से एक प्रीमियम स्मार्टफोन रहा है और बहुत पहले से लोग चाहते थे कि 50,000 से ज्यादा एक फोन पे अगर वो इन्वेस्ट कर रहे हैं तो वो फोन एक वाटर रेसिस्टेंट फोन होना जरूरी है। इस बार एप्पल इस फोन को वाटर रेसिस्टेंट बनाने जा रहा है। हमने देखा है सैमसंग ने अपने S7 एज और S7 में और यहां तक कि नोट 7 को भी एक वाटर रेसिस्टेंट फोन बनाया है। उसी को देखते हुए, कंपटीशन को देखते हुए एप्पल भी इस फोन को वाटर रेसिस्टेंट बनाने जा रहा है। एप्पल इसमें अपना नया चिपसेट A10 ला रहा है जो कि अभी तक का इनका सबसे पावरफुल चिपसेट माना जा रहा है। इसके साथ ही इसकी रैम को बढ़ाया जा रहा है। हालांकि आईफोन 7 में 2GB रैम ही होगी लेकिन आईफोन 7 प्लस में 3GB रैम कर रहे हैं। हमने देखा है कि 16GB अब एक तरह से वॉश आउट होने वाला है, क्या कारण देख रहे हैं इसके पीछे, बिकॉज अब 32GB से ही स्टार्टिंग करेंगे, 64GB भी अब हटाया जा रहा है, उसकी जगह 128 और 256 आ रहा है। जी बिल्कुल श्रुति, हमने पिछले एक साल में देखा है कि इंडियन स्मार्टफोन मार्केट इतनी कंपेरेटिव हो चुकी है, कम दाम में इतने अच्छे अच्छे फीचर्स दिए जा रहे हैं और एक बेसिक फीचर यही रहा है कि सबकी बेसिक वेरिएंट फोन्स 32GB के हो चुके हैं और एप्पल इसमें पीछे रह रहा था और इसी को देखते हुए एप्पल भी इस फोन को अब 32GB कर रहा है। 64GB फोन नहीं आएगा, 32GB, 128GB और 256GB फोन अब आएगा। जी बिल्कुल, और कैमरा हैज बीन अ प्रॉब्लम दिनेश, लो लाइट इमेजेस में प्रॉब्लम होती है, वो सुना है रेक्टिफाई हो रहा है और डुअल कैमरा आने वाला है। यू थिंक दैट स्मार्टफोन का अब डुअल कैमरा ट्रेंड शुरू ही हो गया है ऑलमोस्ट? बिल्कुल श्रुति, एप्पल हमेशा से अपने इनोवेशन के लिए जाना गया है और हालांकि एप्पल का कैमरा एक उसकी USP रहा है लेकिन लो लाइट में पिक्चर्स उसकी इतनी कुछ खास नहीं आ पाती थी। इसी को देखते हुए इस बार एप्पल डुअल कैमरा सेटअप ला रहा है जिसका मतलब 12 मेगापिक्सल के दो कैमरास होंगे जो कि आपकी लो लाइट के साथ साथ डे लाइट में भी वाइड एंगल शॉट्स और क्लोज शॉट्स लेने में बहुत अच्छा आपको आउटपुट देंगे। तो एक बहुत नई इनोवेशन ला रहा है एप्पल और स्पेशली हम जब बात करते हैं इंडियन स्मार्टफोन मार्केट में और इंडियन कस्टमर्स के, तो एप्पल का फोन वो इसलिए लेना चाहते हैं क्योंकि उसका कैमरा बहुत अच्छा होता है और इसी को देखते हुए एप्पल ने इसको इम्प्रूव किया है और इस बार आपको डुअल कैमरा सेटअप मिलेगा जो कि एक बेहतरीन पिक्चर आउटपुट देगा आपको। जी बिल्कुल, आईफोन जाना गया है अब अपने कैमरास के लिए भी, और साथ ही साथ बात करें जो साथ में एक्सेसरीज आती हैं, जो एयरपॉड्स हैं इस बार बताया जा रहा है ब्लूटूथ कनेक्टिविटी हो सकता है दी जाए, वो अभी सिर्फ र्यूमर है या क्या देख रहे हैं, किस तरह ये आगे खबर जा सकती है? श्रुति, अगर हम रिपोर्ट्स की माने तो ये, जी हाँ, ये फीचर ज़रूर एप्पल लेके आ रहा है और ये मेरे हिसाब से ट्रेंड सेटर होगा एप्पल ही, जो एक नया इनोवेशन टेक्नोलॉजी में लेके आ रहा है। अभी तक हमने किसी भी ऐसे फोन में नहीं देखा है जहां पे वो वाईफाई ईयरफोन्स ईयरपोड्स दे रहे हैं, लेकिन एप्पल ही एक इकलौती ऐसी कंपनी होगी जो इस फीचर को सबके सामने लाएगा। जी हाँ, ये साफ हो चुका है कि नए आईफोन 7 में 3.5 mm जैक नहीं होगी, जिसका मतलब कि आपको ईयरफोन्स लगाने के लिए आपको 3.5 mm जैक नहीं मिलेगी और उसकी एक मेन वजह यह है कि एप्पल इस फोन को पहले के मुकाबले और पतला करना चाहता है क्योंकि लोगों की डिमांड रही है कि स्लिम फोन्स ही सबसे बेहतर फोन्स माने जाते हैं और इसी की हमेशा डिमांड रही है। तो ये एक वजह है कि एप्पल इस बार 3.5 mm जैक अपने फोन से हटा रहा है और अगर रिपोर्ट्स ही माने तो जी हाँ, ये बिल्कुल सही है कि वायरलेस ईयरपोड्स भी इस बार एप्पल अपने नए फोन में दे सकता है। वायरलेस ईयरपोड्स आ सकते हैं ब्लूटूथ कनेक्टिविटी के साथ और साथ ही साथ 3.5 हेडफोन जैक हटाया जा रहा है, जिसका सीधे तौर पर मतलब है कि डिजाइन में काफी ज्यादा तब्दीली की जाएगी। जो स्पीकर्स हैं, जो स्पीकर ग्रिल थे उससे लोग काफी खुश नहीं थे, उसको भी अब कहीं और फिट करने की कोशिश की जाएगी। माना जा रहा है कि उसके बैक साइड पर ग्रिल दी जाएगी। विजय वॉल की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि आगे अब हमारे पास क्या है। आप देख सकते हैं आईफोन में बदली एप्पल की तस्वीर, किस तरह से एप्पल ने पहला आईफोन 29 जून 2007 को लॉन्च किया था। आपको बता रहे हैं कि किस तरह से एप्पल ने ग्रोथ की है, आईफोन ने बदली है एप्पल की तस्वीर। 2007 से अब तक एप्पल के मार्केट कैप में 432% का इजाफा हुआ है, प्रॉफिट मार्जिन बता रहे हैं, और एप्पल का मौजूदा मार्केट कैप अब 39.53 रुपीज, और 2007 में अब तक एप्पल का शेयर 530% चढ़ा है, विच इज अगेन अ बिग थिंग। और 2008 में एप्पल ने बेचे थे लगभग 38 लाख आईफोन जब शुरुआत की थी, और एप्पल की मौजूदा बिक्री अब
100 करोड़ आईफोन की है और 2020 तक एप्पल का 200 करोड़ आईफोन बेचने का अब लक्ष्य सामने आ रहा है और 2020 तक एप्पल का 200 करोड़ आईफोन बेचने का लक्ष्य पूरा होता भी हमें दिख रहा है, जिस तरह से काफी स्ट्रैटेजी प्लानिंग कर रही है एप्पल। आईफोन के लॉन्च के बाद से सप्लायर्स के शेयरों में जोरदार उछाल भी देखा गया है और पिछले 9 साल में सप्लायर्स के शेयर 50 से 300% तक चढ़े हैं। और बेहतर बिक्री के लिए चलते कंपनियों के नतीजों में भी सुधार हुआ है और सबसे ज्यादा उछाल यूनिवर्सल डिस्प्ले के शेयर में रहा है। यूनिवर्सल डिस्प्ले वो है जो एप्पल के लिए स्क्रीन्स बनाती है और आईफोन का डिस्प्ले सप्लाई करती है ये कंपनी, और साथ ही साथ क्वालकॉम ताइवान सेमीकंडक्टर भी कंपनी में सप्लायर है जो कि एक तरह से कंट्रीब्यूट करता है एप्पल आईफोन की मेकिंग के लिए। साथ ही GDP पर भारी एप्पल मार्केट कैप पर, एप्पल का मौजूदा मार्केट कैप 39.53 लाख करोड़ है एज पर फिगर्स, और दुनिया के 170 देशों की GDP से ज्यादा एप्पल का मार्केट कैप देखा जा रहा है। एप्पल का मार्केट कैप भारत की GDP का करीब 1/4 यानी 1/4 है और एप्पल की सालाना आय करीब 140 देशों की GDP से ज्यादा है। अब देखिए कि किस तरह से प्रॉफिट मार्जिन्स हैं एप्पल के, और एप्पल का मार्केट कैप भारत की 20 सबसे बड़ी कंपनियों के बराबर है जो कि काफी बड़ी बात है, और भारत की 20 बड़ी कंपनियों का कुल मार्केट कैप 39.8 लाख करोड़ है 20 के मुकाबले एक कंपनी, और निफ्टी 50 का कुल मार्केट कैप 60 लाख करोड़ है। ये फिगर्स हैं जो हम बताना चाह रहे थे आपको और किस तरह GDP पर भारी है एप्पल का मार्केट। और दिनेश, iOS 10 अब ऑफिशियली रोल आउट होगा iPhone 7 के साथ, तो क्या क्या खास फीचर दिख रहे हैं iOS 10 में और कितना अमेजिंग रहेगा, बिकॉज यू ऑलरेडी यूजिंग एन एप्पल आईफोन। दैट्स राइट श्रुति, कुछ समय पहले हमने देखा था टिम कुक ने iOS 10 बीटा वर्जन को रोल आउट किया था लोगों के सामने, और तब हमने देखा था कि इसके आखिर फीचर्स क्या हैं। एप्पल का फोन हमेशा अपने यूजर इंटरफेस के लिए जाना गया है, इतना इजी उसका इंटरफेस होता है कि लोगों को मुश्किल नहीं होती एक स्मार्टफोन को चलाने के लिए, और यही इसकी USP रही है। iOS 10 उस ईजीनेस को और ज़्यादा बेहतर कर रहा है, यूज़र एक्सपीरियंस को और अच्छा करने जा रहा है। अब आपको बहुत सारे नए फीचर्स मिलेंगे, और अगर कोई इंसान ज़्यादा स्मार्टफोन्स या टेक सेवी नहीं है वो भी इस स्मार्टफोन को इजीली चला पाएगा। आपको म्यूज़िक का शौक है, आपको सारे इसमें फीचर्स मिलेंगे, तो कुल मिला के हम कह सकते हैं कि नया और बहुत बेहतर यूज़र इंटरफेस आपके सामने बहुत जल्द आने वाला है। जी श्रुति, और थोड़ा और स्पेसिफिक अगर आप जानना चाहते हैं कि पर फीचर क्या क्या अमेजिंग फीचर्स हैं iOS 10 में, देखते हैं ये खास रिपोर्ट। एप्पल ने हाल ही में हुए WWDC यानी एप्पल वर्ल्ड वाइड डेवलपर्स कॉन्फ्रेंस 2016 में अपने डिवाइसेस मैकबुक, आईफोन, एप्पल वॉच और टीवी सर्विसेज जैसे सीरी और iMessage के ऑपरेटिंग सिस्टम्स के अपडेटेड वर्जन लॉन्च किए। इसमें से iOS 10 का बीटा वर्जन तो एप्पल ने अवेलेबल करा दिया था, लेकिन अब इसका ऑफिशियल रोल आउट iPhone 7 और iPhone 7 Plus के साथ आएगा। तो जानते हैं iOS 10 के कुछ खास फीचर्स। पहले के मुकाबले iOS 10 में लॉक सिस्टम रीडिजाइन किया गया है, रिच नोटिफिकेशन दिए गए हैं, क्विक इंटरेक्शन विद एप्स होगा, पूरे फोन डिस्प्ले पर एक्सपैंडेड 3D टच होगा, इसमें कंट्रोल सेंसर्स दिए गए हैं, साथ ही म्यूजिक के लिए स्पेशल एरिया दिया गया है जहां एक टच पर ही आपकी म्यूजिक बार खुल जाएगी, साथ ही सिंगल राइट स्वाइप पर आपका कैमरा एक्टिव हो जाएगा, विजेट्स एक टच पर ही एक्टिव होकर होम स्क्रीन पर आ जाते हैं। इन सब अपडेट्स के साथ सीरी में भी अपडेशंस किए गए हैं, इंटेलिजेंस शेड्यूलिंग ऐड की गई है जहां आपका डेटा सॉर्ट हो जाता है, पिक्चर गैलरी में एडवांस कंप्यूटर विजन्स दिए गए हैं जहां फेस रिकॉग्निशन के साथ साथ ऑब्जेक्ट्स और सीन्स को भी आपका कैमरा रिकॉग्नाइज कर सकता है, आपकी फोटोज सॉर्टेड रहेंगी विद डेट, टाइम एंड अ फोल्डर टू नेम इट। इसमें बाकी अपडेटेड फीचर्स हैं ज्यादा प्रोएक्टिव मैप्स, नेविगेशन के लिए नया इंटरफेस जिसमें है क्विक कंट्रोल्स, एप्पल म्यूजिक का नया डिजाइन, न्यूज इनफ्लो को दिया गया है नया लुक और फास्टर रिस्पॉन्स, नए ऑपरेटिंग सिस्टम में होम किट आइकॉन है जो पर्सनलाइज स्पेस है, वॉइसमेल ट्रांसक्रिप्शन है आपकी हर एक कॉल का, और साथ ही वीडियोस हैं जो आप मैसेजेस में भी देख सकते हैं, साथ ही इसमें बड़े इमोजीज दिए गए हैं, इमोजीज आपके टेक्स्ट में इमेजेस को रिप्लेस कर सकते हैं, मैसेजेस में ही बबल इफेक्ट दिया गया है, मैसेजेस को पर्सनलाइज कर सकते हैं, हैंड रिटन टेक्स्ट लिख सकते हैं और साथ ही साथ डिजिटल इमोजीज भी बनाकर भेज सकते हैं जो कि लाइव प्ले हो सकती है।
माना जा रहा है कि एप्पल आईफोन 7 और आईफोन 7S के बाद बाकी डिवाइसेस में भी आईफोन के ये रोल आउट किया जाएगा बहुत ही जल्द। और अब चलते हैं सबसे खास सवाल पर, वो यही कि इसकी कीमत कितनी होगी और ये भारत में कब आएगा। डबल बोनांजा है, भारत में आएगा दिवाली से पहले। माना जा रहा है कि लॉन्च होने के 15 दिन के अंदर ही ये भारत में होगा और ये पहला ऐसा आईफोन होगा जो इतनी जल्दी शिप होगा भारत में। डबल बोनांजा दिनेश आपके लिए, कीमत बताएं क्या हो सकती है। श्रुति, डबल बोनांजा जरूर है लेकिन मैं कीमत के मामले में थोड़ा सा नहीं इतना कॉन्फिडेंट फील कर रहा हूँ क्योंकि नए फीचर्स ऐड कर रहे हैं, जाहिर सी बात है इसकी कॉस्ट ज़्यादा होगी। डुअल कैमरा सेटअप है, बिल्कुल ये बड़ा ऑब्वियस हो जाता है कि ज़्यादा कॉस्ट होगी और साथ में अब 16 GB आपको फ़ोन नहीं मिल रहा, जिसका मतलब 32 GB, तो ये सारे फीचर्स और साथ में वाटर रेजिस्टेंट ये नया फीचर भी डाल रहे हैं, तो कॉस्ट कहीं ना कहीं इसकी बढ़ेगी पिछली बार के मुकाबले। और मेरा ये अनुमान है ये फ़ोन करीबन 60 से 65 हज़ार रुपये इसका इनिशियल प्राइस होगा। जी श्रुति। जी बिल्कुल, कीमत अब कम भी हो ऐसा डिमांड हो रही है मार्केट से, क्योंकि हाल ही में जब टिम कुक आए थे भारत दौरे पर और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उन्होंने मुलाकात करी थी, तो जाहिर सी बात है मैन्युफैक्चरिंग इन इंडिया की बात हुई थी, लेकिन वो पॉसिबल अभी होता नहीं दिख रहा। हालांकि एक नींव रख दी गई है विद द बेंगलुरु सेंटर एंड ऑफकोर्स द एप्पल मैप्स इन हैदराबाद, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग थोड़ा डिफिकल्ट होगी और लॉजिकली उसको देखना पड़ेगा, ऐसा टिम कुक ने कहा है। दिनेश, क्या कहना है आपका? जी श्रुति, जब टिम कुक भारत दौरे पर आए थे तो उन्होंने ये जरूर बोला था कि भारत के साथ अब हमारा रिश्ता कुछ समय के लिए नहीं पूरी हमारी लाइफ के लिए हो चुका है, तो इसीलिए एप्पल बहुत फूक फूक के कदम रखना चाहता है, वो बिल्कुल इन्वेस्ट करना चाहता है भारत में, लेकिन वो पूरा देखना चाहता है कि आखिर इंडियन मार्केट में इसका कितना पोटेंशियल है। बाहर की मार्केट में हालांकि एप्पल इतना कुछ खास कमाल नहीं दिखा पा रहा है, लेकिन भारत ही एक ऐसी मार्केट है जहां पे वो प्रॉफिट में जा रहा है। इसी को देखते हुए हम ये उम्मीद लगा सकते हैं कि बहुत जल्द एप्पल अपने मैन्युफैक्चरिंग प्लांट इंडिया में लाने वाला है। जी श्रुति। जी बिल्कुल दिनेश, और अब दोबारा मुलाकात होगी आपकी और मेरी रात 10:15 पर। स्पेशल आप शो देख सकते हैं, हम लाइव लेंगे सैन फ्रांसिस्को से, आपको बताएंगे एप्पल i7 और i7 प्लस के बारे में, नए फीचर्स, नया फोन, कीमत, कब भारत में आ रहा है, सब कुछ। सो स्टे ट्यून्ड @10:15 फॉर अ लाइव कवरेज नॉन स्टॉप ओनली ऑन जी बिजनेस।